नमस्कार बाबा, राष्ट्रीय न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। महाप्रबंधक बीसी सिंह ने खुदिया कलोरी के इन कलाइन का पीता काट कर किया दोबारा चालू। इसी मुगमा एरिया के महाप्रबंधक बीसी सिंह द्वारा सोमवार को सुबह खुदिया कलोरी में पूजा पाठ कर इन कलाइन का पीता काट नारियल फोड़कर दोबारा चालू करने के विधिवत शुरुआत की। इस मौके पर मुख्य रूप से जेबी खुशी देखी। दो वर्ष बाद मजदूर यूनियन और प्रबंधक की लगातार प्रयास के बाद डीजीएमएस द्वारा इसे दोबारा खोलने की अनुमति प्रदान किया गया, जिसके बाद प्रबंधक इसे खोलने की दिशा में पहल की है। मौके पर उपस्थित महाप्रबंधक बीसी सिंह ने कहा कि खुदिया कलोरी के मजदूर काफी मेहनती हैं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्पादन में अपना योगदान देंगे। वहीं पूर्व विधायक रूप चटर्जी ने कहा कि पिछले एक वर्षों से लगातार हम लोग प्रयासरत थे कलोरी को पुनः चालू किया जाए। इसके लिए उन्होंने सीएमडी डीजीएमएस को धन्यवाद दिया। मौके पर काफी संख्या में मजदूर यूनियन नेता मौजूद थे। एक्सीडेंट के बाद से ही वो खुदिया कलोरी जब से बंद हुई तब से हम लोगों की मांग है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए खुदिया कलोरी फिर से स्टार्ट किए, और यहाँ के मजदूर भी काफ़ी दिनों से बैठे हुए। हम लोगों की लास्ट टाइम सीएमडी से भी करीब 20 दिन पहले जो वार्ता हुई उसमें भी हम लोगों का मुख्य मांग यही था जो खुदिया कलोरी था। हम लोग धन्यवाद देंगे हमारे जीएमओ एजेंट साहब को एवं मैनेजमेंट के तमाम पदाधिकारियों को, जो उनकी मेहनत का फल है जो आज बीजीएमएस की परमिशन मिली और ये माइन स्पेस स्टार्ट किया। एक दुर्घटना के चलते ये माइन बंद हुई थी, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था, लेकिन लोगों ने यहाँ के वर्कर अच्छे हैं और माइन भी अच्छी है, बट अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद माइन बंद हो गई और लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है। बीच में भी कोशिश किया गया था चालू करने का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अभी लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और इस बार जो चालू होगा तो ये लगातार चलेगा। और मैं मजदूरों का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेहनत करके इस कदम को पुनः चालू किया। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।